सलीम जी, पहले तो काफी खूबसूरत लग रहे हो इंडियन अवतार में। ऐसा थैंक यू लगता सो है आप मच इंडियन अवतार में काफी खूबसूरत लगते हो, जी। आपको भी काफी पसंद है। आजकल देखते हैं ट्विटर पे भी इंडियन अवतार में आप इंटरव्यूज देते हो, जी काफी कुछ मेरे पूछते हो। ख्याल से हर महिला देसी अवतार में एक नंबर लगती है। बहुत ही खूबसूरत और सबको पता है कि द मोस्ट सेक्सीएस्ट ड्रेस इज द साड़ी यस। एंड वेरी सून आई एम गोइंग टू बी चेंजिंग इनटू अ साड़ी। कुछ इज देयर एनी पर्टिकुलर रीज़न बिहाइंड दिस फोटोशूट? क्या कुछ आने वाले समय में कुछ प्रोजेक्ट के लिए इस फोटोशूट कर रहे जी हो? जी बिल्कुल। कुछ क्वेरीज आए हैं और कुछ डायरेक्टर्स फिल्म मेकर्स चाहते हैं कि मैं अपना देसी यस अवतार यस। दिखाऊं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ज़बरदस्त फ़ोटोशूट किया जाए ताकि उन्हें यानी फिल्म मेकर्स को और प्रोड्यूसर्स को मैं अपना देसी लुक दिखा सकूं। एंड डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की आप चर्चा कर रहे हो, ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स आपने किए। बिग बॉस 16 में डायरेक्टर साजिद खान के ऊपर आपने पहले भी कई बार आपने चर्चा की थी उनके बारे में। आप काफ़ी मायूस हुए उनको उस घर में देख, काफ़ी लोग, काफ़ी सारी महिलाएं मायूस हुई, काफ़ी लोग ने स्टैंड भी लिया। आप किस तरह का स्टैंड लेना चाहोगे उनको बिग बॉस के घर देखने? मायूसी नहीं, मैं कहूँगी कि हमें ज़ोर का झटका लगा जब ये पता चला कि सलमान खान के बिग बॉस में एंट्री होती है एक वैसे शख्स की जिनके खिलाफ कई सारे आरोप लगे हैं यौन शोषण को लेकर। तो मैं सोच में पड़ गई, मैंने सोचा कि अगर सलमान सर के किसी खास महिला मित्र के साथ या उनके रिश्तेदार के साथ कोई अनहोनी हुई होती साजिद के हाथों, क्या वो साजिद को बिग बॉस के घर में दाखिल होने देते? कतई नहीं, वो तो सख्त एक्शन लेते उनके खिलाफ। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो केवल साजिद खान के भाईजान हैं? क्या हम पीड़ित महिलाओं के भाईजान नहीं बन सकते? और काफ़ी लोग सपोर्ट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं देख रहा था काफ़ी सारे बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट या फिर जो रेगुलर बिग बॉस में जाते हैं वो सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी महिलाओं, जब मैं बात करूँ, वो लोग ने स्टैंड लिया। कुछ आर्टिकल्स भी बहुत सारे आए जिसमें आपका भी नाम आर्टिकल्स में आए, मैं पढ़ रहा था उस सारे आर्टिकल्स पे क्या करना चाहोगे? जी मैंने देखा है सोशल मीडिया पर कि कई महिलाएं हिम्मत करके आगे आकर अपना बयान दे रही हैं और अपना अनुभव साझा कर रही हैं, बता रही हैं कि उनके साथ क्या हुआ, साजिद खान ने क्या किया। हमने ये पढ़ा है सोशल मीडिया पर कि साजिद खान ने कभी किसी के ब्लाउज़ में हाथ डाला तो कभी अपना प्राइवेट पार्ट किसी को दिखाया और पूछा कि बताओ कितने मार्क्स दोगी 10 में से, और कभी किसी को अपने बेडरूम में लेकर गए डीवीडी कलेक्शन दिखाने के बहाने से और कुछ और किया उनके साथ, और कभी किसी के साथ वर्क प्लेस में अत्याचार किया। तो सोचने वाली ये बात है कि क्या ये तमाम महिलाएं झूठ बोल रही हैं? नहीं ना। क्या हमारी कोई निजी रंजिश है साजिद के खिलाफ? नहीं ना। हम कर क्या रहे हैं? बस अपना अनुभव साझा कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को कि देखो हमारे साथ ऐसा हुआ है, और किसी और ने नहीं बल्कि फराह खान के भाई साजिद खान ने किया है। तो क्या ऐसे शख्स को किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कंटेस्टेंट के तौर पर या गेस्ट के तौर पर आमंत्रित करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैं तो चाहूंगी कि कानूनी कार्रवाई हो और आरोपी को सख्त से सख्त सज़ा मिले, लेकिन तब तक मैं अनुरोध करती हूँ सलमान खान से और सभी प्रोड्यूसर से, निर्देशकों से, निर्माताओं से कि वो यौन शोषण को बढ़ावा ना दें। आप इस तरह एक आरोपी को अपने मंच पर बुलाकर
क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं, क्या आप हमारे हमारे अनुभव को खारिज करना चाह रहे हैं, हमारी पीड़ा को खारिज करना चाह रहे हैं, क्या ये आपका मकसद है, उद्देश्य है? प्लीज़ प्लीज़ कृपया करके ऐसा ना करें। ये मेरी विनती है आपसे और उन तमाम पीड़ित महिलाओं की विनती है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। युवा पीढ़ी पर इसका बहुत बहुत गलत प्रभाव पड़ सकता है। आज आप युवा पीढ़ी से ये कह रहे हैं कि देखो, अगर आपको प्रशंसा पाना है, प्रसिद्ध होना है, तो इसका शॉर्टकट रास्ता ये है कि आप यौन शोषण करें। क्या आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं? प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। वो आरोपी है, उसके खिलाफ न सिर्फ मैंने आरोप लगाए हैं बल्कि कई सारी महिलाओं ने आरोप लगाए हैं। तो क्या हम सब गलत हैं? हमारी बातों में कोई सच्चाई नहीं है? मैं चाहती हूँ कि NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, स्मृति ईरानी जी, अनुराग ठाकुर सर, ये सब मिलकर सख्त से सख्त कदम लें, न सिर्फ साजिद खान के खिलाफ बल्कि उन तमाम मोलेस्टर्स के खिलाफ जो महिलाओं के साथ गलत करते हैं, अत्याचार करते हैं, उनका यौन शोषण करते हैं और फिर खुलेआम घूमते हैं इस समाज में ऐसे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कि ये माय बाप हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, ये नया भारत है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। 5 साल के बाद वो नजर आए कोई भी ऐसे शो में, या फिर क्या लगता है आपको, बिग बॉस से ज्यादा सलमान जी उनको क्लीन चीट देने की कोशिश कर रहे हैं एज ए डायरेक्टर, एज एन एक्टर, एज ए दोस्त? देखिए, समझने वाली बात यह है कि बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म पर एक मोलेस्टर को एक कंटेस्टेंट के रूप में बुलाया गया है, आप क्या उसकी गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं? आप क्या उसे एक मौका दे रहे हैं कि वो अपने इमेज को वाइट वॉश करे? क्यों आप उसके प्रति अपनी सहानुभूति दिखा रहे हैं? हम पीड़ित महिलाओं के प्रति क्यों नहीं दिखा सकते आप? क्यों नहीं? क्योंकि हम फराह खान के सगे नहीं हैं? क्योंकि हम किसी बहुत बड़े फिल्म मेकर, निर्देशक, निर्माता के रिश्तेदार नहीं हैं? इसलिए प्लीज़, आउटसाइडर हैं तो क्या हुआ? क्या हमारी बातों में सच्चाई नहीं है? ऐसा मत करो, हमारे भी भाईजान बनकर देखो, बहुत प्यार मिलेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you.